किसको फैशन। और आज मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देने वाली हूँ ब्लाउज के बारे में, क्योंकि ब्लाउज में जो है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हर किसी को होती है जब वो नया नया सीखता है ब्लाउज बनाना या कोई भी मतलब फैब्रिक सिलाई करना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हमें फेस करनी पड़ती है, जिससे हमें बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं उसी का कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, शायद वो आपके लिए ही काम आए, तो ये सोच के मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं नए नए सीखती थी तो मुझे भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता था, तो वही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपके जो ब्लाउज में अगर वो सब अगर ये सब आप ठीक से देखेंगे अपने ब्लाउज में, तो आपके जो शोल्डर उतरने की जो प्रॉब्लम है वो सब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप ब्लाउज बना रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो कंधे हैं वो काफ़ी उतरते हैं। तो आप क्या मतलब आप शोल्डर आपको ब्लाउज मतलब बस्ट के अनुसार नहीं लेना है, आपको शोल्डर नेक के अनुसार लेना है। नेक मतलब क्या, बैक नेक आपके कितना है डीप, उसको देखते हुए आपको लेना है। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 इंच का है, ठीक है, 8 इंच का डीप डीप गला है। तो इसकी शोल्डर कितनी रखा है हमने, तो इसका शोल्डर हम कितना रखेंगे, 8 इंच डीप है तो इसका शोल्डर आप 6 इंच रख सकते हो, या तो 5.5 इंच भी रख सकते हो। मैं आपको और एक टिप्स बता देती हूँ, कभी भी अगर आप डीप गला बना रहे हो तो शोल्डर जो है वो छोटा रखें यानी कम रखें, और अगर आप बंद गला यानी जैसे पूरी तरह बंद तो नहीं, जैसे 7, 6, 5 अगर वैसे बना रहे हो तो शोल्डर बड़ा रखें। बड़ा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा रख दें, मतलब 6.5 इंच, 6 इंच आप रख सकते हो, ठीक है। 8 इंच तक के जो बैक नेक का जो गला है डीप है, अगर 8 इंच तक, तो आप 6.5 इंच रख सकते हो इजीली। और इस बात का भी ध्यान रखिए नेक की चौड़ाई जो है, यानी यहाँ से जो हम लोग नेक की चौड़ाई कट करते हैं ये जो होती है हम लोगों की, ये भी आप ज़्यादा ना रखें। अगर डीप गला बना रहे हैं तो ऊपर जो होता है हम लोग का शोल्डर साइड से जो होता है वहाँ पे आप कम रखें, नेक की चौड़ाई कम रखें। नीचे आप ब्रॉड बना सकते हो, मतलब चौड़ा रख सकते हो, लेकिन ऊपर जो है वो छोटा रख मतलब कम रखें, ठीक है। ये टिप्स भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इन सब बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपकी शोल्डर ना उतरे। और हम लोग काफ़ी ऐसा होता है कि हम लोग शोल्डर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो हम सबको पता है कि 1 इंच या तो 1/2 इंच तक शोल्डर ड्रॉप होता है, लेकिन वो हमेशा वो काम नहीं आता है। क्योंकि देखिए अगर आप डीप गला बना रहे हो और फिर आप ज़्यादा शोल्डर ड्रॉप कर दोगे, जैसे 1/2 इंच कर दोगे, फिर तो आपका ऐसे यहाँ से उठ जाएगा, इस तरह से उठ जाएगा, फिर तो इधर आपके शोल्डर गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसलिए अगर आप डीप गला बना रहे हो तो शोल्डर को 0.25 इंच उतना आप थोड़ा सा बस यहाँ से, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, इतना इतना बस आपको शोल्डर ड्रॉप करना है। 1/2 इंच करेंगे तो फिर यहाँ से इस तरह से उठ जाएगा, फिर वो आपके शोल्डर इस तरह से गिरने लग जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और आर्म होल आप ना ज़्यादा टाइट रखें ना ज़्यादा लूज रखें, क्योंकि अगर आप लूज रखोगे तो फिर यहाँ पे ढीला पड़ जाएगा आपका, तो फिर उसकी वजह से भी आपके शोल्डर गिरने लग जाएंगे, ठीक है। तो आर्म होल की भी सही कटिंग कीजिए, सही रखिए आर्म होल को, ज़्यादा ढीला ना रखिए। और मुड्डे जो ये होता है हम लोग का बाइसेप, ठीक है, इसको भी आप ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, आपको टाइट नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप टाइट रख दोगे इसको तो ये तो ऊपर उठेगा ही नहीं, यहाँ से कंधा तरफ जाएगा ही नहीं, तो फिर वो उसकी वजह से भी आपके जो शोल्डर है वो गिरने लग जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और मैंने आपको और जो है ये आप इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। अगर आप गला आप जितना भी है आपका बस्ट जितना भी हो, आप 5.5 और 6 इंच के बीच ही रखिए, डीप गला बना रहे हो तो 5.5 और 6 इंच के बीच ही रखिए अपना शोल्डर, और नेक की चौड़ाई अपने अनुसार ले सकते हो 2.5 इंच 3 इंच तक। डीप गला बना रहे हो तो ज़्यादा मत रखिए, 3 इंच तक रख सकते हो, ज़्यादा हैवी बस्ट है तो। और
डीप गला से मेरा मतलब है यहाँ जो हम लोग गला रखते हो, बैक साइड का डीप गला, ठीक है, बैक साइड का डीप गला तो होता है, आगे साइड का तो नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको या तो शोल्डर 5.5 इंच रखिए या तो 6 इंच रखिए, ये ठीक रहता है, ठीक है। तो उसके उससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। और जो मैंने काफ़ी टिप्स आपको बता दी है उन सब बातों का भी ध्यान रखिए ताकि आपके शोल्डर ना गिरे, शोल्डर गिरने के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं हमें, तो ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके शोल्डर जो है काफ़ी हद तक नहीं गिरेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन जो मैंने आपको बताया वो उन सब बातों का ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं आपको आर्म होल का भी बता दूँ, अगर डीप गला बना रहे हो, जैसे अगर आप 6 इंच का आपने शोल्डर रखा है, 6 इंच का आपने शोल्डर रखा है, तो आपको आर्म होल 6.5 इंच लेना है, ठीक है। अगर आप 5.5 इंच का शोल्डर रख रहे हो तो आपको आर्म होल 6 इंच रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको, जैसे अगर आप 6.5 इंच आपने रखा है शोल्डर, तो आप आर्म होल लीजिए 7 इंच। उसी तरह से आपको नीचे आर्म होल में जो है वो आपको 1/2 इंच बढ़ाते जाना है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिए, ये इजी ट्रिक है ये। आप शोल्डर 6 इंच रख रहे हो तो आर्म होल 6.5 इंच रखिए, शोल्डर 6.5 इंच रख रहे हो तो आर्म होल 6 इंच रखिए। उसी तरह से अगर 7 इंच रख रहे हो तो आर्म होल 7.5 इंच रखिए। तो ये इतना 7 इंच आप तभी रखिएगा जब आप बंद गला, कॉलर गला बना रहे हो, या आपके जो बैक नेक 3 इंच हो, 4 इंच हो, उसी टाइम रखिए, वरना फिर वो मतलब अगर गला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी 5 इंच में अगर उतना, 5 इंच 6 इंच में अगर ज़्यादा रख लेंगे तो फिर वो आपके शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम फिर से वही वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी टिप्स आपको बता दिए हैं ब्लाउज से रिलेटेड, और नेक्स्ट मैं आपको ब्लाउज का सही मेजरमेंट फिर से बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी एक बताया है, फिर भी और एक आसान ट्रिक है ब्लाउज नापने का जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक्स भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।